जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, वाहनों को हाईवे पर निर्धारित लेन में नहीं चलाते हैं या फिर नशा करके ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई तेज होने वाली है। गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि हजारों लोगों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए सख्ती की जाएगी। हाईवे पर हुए हादसों में देखा जाता है कि भारी वाहन अपनी निर्धारित लेन में ना चलने के कारण भी हादसे होते हैं। इसलिए अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुनिश्चित करें कि भारी वाहन अपनी लेन में ही चलें और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए जल्द ही उच्च अधिकारियों की बैठक भी बुलाई जाएगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले गृह मंत्री अनिल विज खुद अपनी गाड़ी को सड़क किनारे खड़े करके ये देखने के लिए सड़क पर उतरे थे कि क्या हाईवे पर भारी वाहन अपनी लेन में चल रहे हैं या नहीं, और जो भारी वाहन अपनी लेन में नहीं चल रहे थे उन पे कार्रवाई करने के अनिल विज ने निर्देश दिए थे। सड़क पर दुर्घटनाओं में हरियाणा में साल में लगभग 5,000 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 9,000 लोग जख्मी हो जाते हैं, और ये यातायात के नियमों के पालन ना करने से होता है। इसलिए इसको सख्ती से चलाया जाएगा। मैं बहुत जल्द सभी अधिकारियों की बैठक भी लेने वाला हूँ, सभी एसपी से, सीपी से, डीसीपी से, उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और सभी ट्रैफिक पुलिस के लोगों से भी बात की जाएगी कि वो इंश्योर करें कि हैवी ट्रैफिक के लिए जो लेन है, हैवी ट्रैफिक उस लेन में ही चले, वो दूसरी लेन में ना आए, उसमें अन्य गाड़ियों को चलने दिया जाए ताकि एक्सीडेंटों से बचाया जा सके। छीना था जो हक सरकार ने वो वापस दिलवाना है, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करवाना है। आज हरियाणा में चारों तरफ सरकारी अन्याय का बोलबाला है। कहीं कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बाट जो रहे हैं, तो कहीं पीटीआई आज सड़कों पर बैठे हैं, कहीं आशा वर्कर, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर, कहीं कलरक आज संघर्षत हैं, तो कहीं टीचर अपने हक के मुद्दे के लिए आवाज उठा रहे हैं। 1,00,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारी लंबे समय से कन्फर्म होने को तरस रहे हैं। उनमें से कितने ही तो ऐसे हैं जिनकी उम्र भी जा चुकी है, लेकिन उनकी बेबसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, तो मैंने आज आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए जनसेवक मंच बनाया है। अपनी सहमति व सहयोग देने के लिए 7834800 पर मिस्ड कॉल कीजिए और जनसेवक मंच से जुड़िए। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।